बच्चों, हमारे देश भारतवर्ष में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं होती हैं? दीदी तीन। कौन कौन सी? वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और सर्दी। सर्दी नहीं बेटा, शरद ऋतु। ठीक है, हमारे देश में तीन ऋतुएं होती हैं, वर्षा, ग्रीष्म और शरद ऋतु। ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु के बीच की जो ऋतु होती है, जो मौसम होता है, उसको क्या कहते हैं? आप बताओ बेटे। दीदी वसंत ऋतु। बसंत ऋतु, शाबाश, बहुत अच्छे। जो दीदी मुझे बसंत ऋतु पे एक कविता आती है। ठीक है बेटे, क्या है सुनाओ। काली काली कुकू करती, जो है डाली डाली फिरती, छिपी हरे पत्तों पर बैठी, जो है पंचम सुर में गाती, वह है कोयल कहलाती। शाबाश। जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्माता है, तब होता है समा निराला, दिल को बहुत लुभाने वाला। शाबाश, बहुत अच्छे। आज हम लोग बसंत ऋतु पर ही एक कविता पढ़ेंगे। आप लोग अपनी किताबें खोलें, भाषा किरण का पाठ संख्या 10, पात नए आ गए। इस कविता को केदारनाथ सिंह जी ने रचित किया है। आप लोग मेरे साथ दोहराएंगे बेटे। पात नए आ गए, टहनी के टूसे पतरा गए। पात नए आ गए, टहनी के टूसे पतरा गए। शाबाश। पकड़ी के पात नए आ गए। पकड़ी के पात नए आ गए। नया रंग रेशों से फूटा, मन भीज गया। नया रंग रेशों से फूटा, मन भीज गया। नया रंग रेशों से फूटा, बन भीज गया। नया रंग रेशों से फूटा, रंग भीज गया। बन भीज गया बेटे, बन भीज गया। बोलिए, वन, वन भीज गया। वन भीज गया। शाबाश। दुहरी यह कूक पवन झूठा। दुहरी यह कूक पवन झूठा। मन भीज गया। मन भीज गया। डाली डाली स्वर छितरा गए। डाली डाली स्वर छितरा गए। पात नए आ गए। पात नए आ गए। कोर दीठियों की कड़ुआई। कोर दीठियों की कड़ुआई। रंग छूट गया। रंग छूट गया। बाट जोहते आंखें आई, दिल टूट गया। बाट जोहते आंखें आई, दिल टूट गया। राहों में राही पथरा गए, पात नए आ गए। राहों में राही पाथ गए, पथरा गए। राहों में राही पथरा गए। राहों में राही पथरा गए। पात नए आ गए। पात नए आ गए। बच्चों, इसमें बसंत ऋतु का वर्णन कवि ने किया है, लेकिन एक नए ढंग से किया है। ऋतु वर्णन के साथ ही जो मानव हृदय की भावनाएं हैं, उनकी तरफ भी इंगित किया है। पात नए आ गए, टहनी के टूसे पतरा गए। बसंत ऋतु में पुराने पत्ते पतझड़ में झड़ जाते हैं, और वृक्षों में पात मतलब पत्ते। पात का क्या अर्थ है? पत्ते। शाबाश। वृक्षों में नई नई पत्तियां, नई नई कोपले आने लगी हैं। टहनी के टूसे पतरा गए। दीदी टूसे का मतलब क्या होता है? हाँ बेटे, टूसे का आशय यह है, जो पाकड़, बरगद इत्यादि वृक्ष होते हैं, इनमें जो नुकीली टहनियां निकलती हैं, गांठें निकलती हैं, उनको टूसे कहते हैं। टहनी के टूसे पतरा गए। पाकड़, बरगद आदि जो वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं, उनके जो नुकीली टहनियां निकलती हैं, वो निकलने लगी हैं, उनमें रेशे आने लगे हैं। पकड़ी के पात नए आ गए। जो पाकड़ का वृक्ष है, स्थानीय भाषा में जिसको पकरिया भी कहते हैं, तो उस पाकड़ वृक्ष में भी नए नए कोपले आने लगी हैं। नया रंग रेशों से फूटा। नई चीज जो होती है, जिसमें नयापन नवीनता होती है, उसका रंग भी काफी चमकदार सुनहरा होता है। जैसे जब नए नए कोपले आती हैं, उनमें हल्के हल्के रेशे होते हैं, और उन रेशों की वजह से जो रंग है उसमें एक अलग सी चमक होती है। नया रंग रेशों में फूटा। जो टहनियां हैं, नई टहनियां बढ़ रही हैं, उनके रंग में भी नयापन है। हल्के हल्के रेशे हैं पत्तियों में, हल्के हल्के रेशे हैं, तो उन रेशों से उनके जो रंग है उनमें एक अलग तरह की नवीनता है। चाहे वो पत्तियों का हरापन है,
कोपलों का लालपन है, सभी में एक नवीनता है। उनके रेशों की वजह से, उनकी नवीनता के वजह से उनके रंग में एक अलग तरह की चमक है। वन भींज गया, उसकी वजह से जो वन है, जो जंगल है, जो बाग है, उनमें एक अलग तरह की मनोहारी छटा दिखाई दे रही है, अलग तरह की सुंदरता दिखाई दे रही है। दुहरी यह कूक पवन झूठा। जब वसंत ऋतु होती है, प्रकृति में एक नवीनता है। प्रकृति की नवीनता को देखकर पशु पक्षी और मानव हृदय सभी के मन में एक अलग तरह का उल्लास, एक अलग तरह की खुशी दिखाई पड़ती है। दुहरी यह कूक, जो कोयल है वो इस प्रकृति की नवीनता को देखकर कूकू कर स्वर कर रही है। आम के बौर आ गए हैं, बौर को देखकर, बौर की सुगंध से कोयल मदमस्त होकर अपना स्वर वातावरण में बिखेर रही है। तो उसका जो स्वर है बाग में, वो आवाज उसकी टकराती है वृक्षों से और फिर वापस लौटकर प्रतिध्वनित होती है। तो जैसे लगता है कोयल बोल रही है तो दो दिशाओं से आवाज आ रही है, एक तरफ से कोयल स्वयं बोलती है और दूसरी तरफ से उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो इसीलिए कहा है दुहरी यह कूक, कोयल की कूक दोहरे ऊंचे स्वर से सुनाई दे रही है, प्रतिध्वनित हो रही है। पवन झूठा, साधारणतया जिधर को वायु बहती है उधर से आवाज सुनाई देती है, प्रतिध्वनि की वजह से आवाज दोनों तरफ से सुनाई दे रही है, ठीक है। तो दोहरी यह कूक पवन झूठा, मन भीज गया। कोयल की कूक को सुनकर, भौरों की गुनगुनाहट को सुनकर, चिड़ियों की पक्षियों की चहचहाट को सुनकर सभी का मन प्रफुल्लित हो रहा है। यानी प्रकृति स्वयं में प्रफुल्लित है और प्रकृति की नवीनता को देख करके सभी पशु पक्षी सभी का मन आनंदित है, प्रफुल्लित है। सभी अपने स्वर में, अपने आनंद में गा रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। डाली डाली स्वर छितरा गए। वृक्ष की प्रत्येक डाली पर स्वर की, भौरों के स्वर की, कोयल के स्वर की अनुगूंज सुनाई दे रही है। क्या है? डाली डाली स्वर छितरा गए, यानी प्रत्येक डाली पर, प्रत्येक पत्ती पर, प्रत्येक कोपल पर, यानी प्रकृति के प्रत्येक अंश में एक नए तरह की अनुगूंज सुनाई दे रही है। पात नए आ गए, वृक्षों में नई कोपले नए पत्ते आ गए हैं, प्रकृति में एक नई तरह की नवीनता आ गई है। कोर दीठियों की कड़वाई रंग छूट गया, बाट जोहते आंखें आई, दिल टूट गया, राहों में राही पथरा गए, पात नए आ गए। दीदी, दीठियों का मतलब क्या होता है? हाँ बेटे, दीठियों का मतलब होता है आंखें। दीठ, दीठ से बहुवचन क्या है? दीठियों। दीठ का अर्थ होता है आंखें। अभी इस प्रथम पैराग्राफ में, प्रथम अनुच्छेद में कवि ने प्रकृति में जो उल्लास है, जो आह्लाद है, जो नवीनता है, उसका वर्णन किया है। अब इस आखिरी अनुच्छेद में जो कवि है वो मानव मन की स्थिति का वर्णन कर रहा है। मानव मन की स्थिति यह है कि वसंत ऋतु में कोई प्रिय अपने घर वालों से, अपने स्वजनों से मिलकर चलता है और वसंत ऋतु में इस नवीन वातावरण में उसका मन स्थिर हो जाता है, वह रुक जाता है, वह उस आनंद में, वह उस उल्लास में, प्रकृति की इस नवीनता में खो जाता है। इसका अर्थ हम लोग नीचे वाली पंक्ति से लेंगे, राहों में राही पत्थर आ गए। हमने अभी प्रकृति का वर्णन किया कि कवि ने बताया कि वसंत ऋतु में प्रकृति इस तरह से नवीन है, इस तरह से उल्लसित है, इस तरह से मानव मन को आह्लादित करने वाले स्वरूप में आ गई है। ऐसे में हुआ क्या कि रास्ते में जो राही जन है, जो राहगीर है, जो अब कहीं से, प्रदेश से, विदेश से अपने घर लौटे थे और रास्ते में उनको इस तरह का बाग, प्रकृति का यह स्वरूप दिखाई पड़ा और वो प्रकृति के इस मनमोहक रूप में खो गए, राहों में राही पत्थर आ गए। रास्ते में पथिक रुक गए और प्रकृति के इस सुरम्य वातावरण का आनंद लेने लगे। ऐसे में क्या हुआ? कोर दीठियों की कड़वाई, जो स्वजन थे, घर के जो लोग थे, जो लोग अपने प्रिय की रास्ता देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, वो रात भर जागते रहे। भोर होते होते उनके आंखों के जो कोने हैं, आंखों की जो कोर है, वो कड़वाई
रात भर जगने से आंखों में कड़वाहट होने लगती है, खुजली सी होने लगती है। उसके लिए कवि ने लिखा है कि रात भर जागकर रास्ता देखने वाले स्वजन जो हैं, उनके आंखों में कड़वाहट होने लगी और उसकी वजह से उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली, रंग छूट गया। फलता क्या हुआ, आंखों में जो काजल लगा हुआ था वो बह चला, आंखों का काजल छूट गया। बाट जोहते आंखें आई, दिल टूट गया। प्रातःकाल हो गई, पथिक प्रकृति के इस मनोरम वातावरण में इस तरह से लीन हो गया कि उसको घर की सुध नहीं रही और जो स्वजन हैं उनकी रास्ता देखते देखते आंखें लग गई, यानी उनको प्रातः नींद आ गई, दिल टूट गया और उनका इस तरफ से मन हट गया कि शायद उनका स्वजन जो कहीं से उनके घर आने के लिए चले थे वो रास्ते में ही रह गए, अब वो शायद नहीं आएंगे। ये सोचकर जो स्वजन थे, जो घर में जो लोग इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी आंख लग गई, वो सो गए लेकिन राही घर तक नहीं पहुंचा। आशय कवि का है, बड़ा मनोहर इन्होंने वर्णन किया है प्रकृति का कि प्रकृति के सुरम्य वातावरण में किसी का भी मन आसक्त हो सकता है, लग सकता है और ऐसे में क्या स्थिति होती है, क्या मन स्थिति होती है, उसका वर्णन कवि ने किया है। आप लोगों को समझ में आ गया बेटे? जी जी दीदी। कहीं अगर कठिनाई है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं। अच्छा प्रज्ञा आप बताएं, टहनी के टू से पत्र आ गए, क्या अर्थ है इसका? प्रयास कीजिए। टू से आपको हमने बताया था जो पाकड़ बरगद पीपल के वृक्ष हैं उनमें जो नुकीली फुनगी निकलती है उसको टू से कहते हैं। जी दीदी। ठीक है, आपने शंका व्यक्त की थी टू से क्या होता है, उसके लिए मैंने बताया था आपको बरगद पाकड़ और पीपल आदि वृक्षों में जो नुकीली फुनगी निकलती है उसको टू से कहते हैं। तो टहनी के टू से पत्र आ गए, टहनियों में जो टूसे निकलते हैं वो जब नवीन पत्ते आने लगते हैं तो वो सिकुड़ने लगते हैं, सूखने लगते हैं, तो लिखा है टहनी के टूसे पत्र आ गए। ठीक है। दुहरी यह कूक, इसका क्या अर्थ है श्रुति? दीदी इसका अर्थ है कि उस बसंत के समय कोयल अपनी कूकू आवाज से सब लोगों का मन मोह लेती है और बागों में पेड़ों के ऊपर बैठ के गाना गाती है। गाना गाती है और जो ऊंचे स्वर से गाना गाती है तो उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ठीक है। और प्रतिध्वनि की वजह से उसकी ये कूक और ज्यादा जोर से सुनाई देती है। ठीक है, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगी, आप लोग ध्यान देंगे और नोट करेंगे और इसका उत्तर मुझे लिख कर भेजेंगे। इस कविता का मूल भाव क्या है? मैं चार उत्तर बता रही हूं, सही उत्तर पर निशान लगाना है। कोयल की कूक को सुनकर कवि आनंदित है, क। ख है राह पर चलते हुए राही रुक गए हैं, ग। नए मौसम में प्रकृति में नई रंगीनी आ गई है, घ। कवि को मौसम का बदलाव अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार फिर से सुनिए, इस कविता का मूल भाव क्या है, सही उत्तर पर निशान लगाना है। क, कोयल की कूक को सुनकर कवि आनंदित है। राह पर चलते हुए राही रुक गए हैं। नए मौसम में प्रकृति में नई रंगीनी आ गई है। कवि को मौसम का बदलाव अच्छा नहीं लग रहा है। लिख लिया बच्चों? इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प हो उस पर सही का चिन्ह लगाकर आप मुझे लिख भेजिएगा। आपके सही उत्तरों से मुझको यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपने कविता का अर्थ सही सही समझ लिया है।